हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरी वीडियो में। बहुत ही कमाल की वीडियो आज लेकर आया हूं मैं, क्योंकि मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है जो कि मुझे आपको बताना जरूरी लगता है, और हो सकता है कि शायद आप भी ऐसा करते हो, तो आपको ये चीज नहीं अप्लाई करनी है आपकी स्कूटी के साथ। तो हुआ कुछ ऐसा कि बारिश का मौसम चल रहा है, आज हमारे शहडोल में काफी ज्यादा बारिश हुई है, और मैं बाहर था, यानी घर के बाहर था मैं। तो जब मैं घर की तरफ लौट रहा था, तो मेरे घर के साइड में बहुत ज्यादा, मतलब एकदम पानी भर गया था, बहुत ज्यादा पानी भर गया था। तो अब क्या होता है कि अब जब आपको उस पानी वाले एरिया से अपनी स्कूटी को क्रॉस करवाना होता है, तो आप गाड़ी की जो स्पीड है उसको आप इंक्रीज करते हैं, यानी कि बढ़ाए, ताकि हमारी गाड़ी जो है उस एरिया से बाहर निकल जाए। करते हैं आप, सीधी सी बात है, आप यहाँ पे बहुत सारा पानी भरा हुआ है, एकदम तालाब जैसा आपका पानी भरा हुआ है यहाँ पास में, और आपको यहाँ से निकलना है। तो भाई जितनी तेज स्पीड होगी तो गाड़ी उतनी तेज से निकल पाएगी, धीमी स्पीड होगी तो गाड़ी रुक जाएगी, बिकॉज पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा है। तो अब हुआ क्या, मैंने सोचा कि मैं इसको लेके जाऊं, लेकिन मेरे माइंड ने कहा कि बहुत ज्यादा पानी, यानी कि पानी इतना ज्यादा तक आ गया था कि बिल्कुल यहां आया तक, मतलब ये साइलेंसर आप देख रहे हैं, जो साइलेंसर में यहाँ पे इसकी मोल्डिंग हुई है, यहां तक बिल्कुल पानी भर गया था। तो मुझे लगा कि शायद से मेरा ये जो डिसीजन है वो गलत है। तो मैंने क्या किया, मैं आधे रास्ते तक आया और फिर मैं अपनी गाड़ी को मोड़ के वापस ले गया। अब जब मैं मोड़ के वापस ले गया, तो गाड़ी जो है मेरी ऑलरेडी भीग चुकी थी, यानी कि हाफ वे तक वो पानी आ चुका था। तो अब हुआ क्या कि जब मैं अपनी गाड़ी को रेस दे रहा हूँ, यानी कि मैं अपनी गाड़ी को थ्रॉटल दे रहा हूँ, तो हो क्या रहा है कि मेरी गाड़ी हल्का सा पावर लैग कर रही है, यानी कि जो रेस देने में जो पहले फीलिंग आ रही थी, यानी कि मैंने अपनी गाड़ी को रेस दिया, नॉर्मल तरीके से गाड़ी रेस ले ली, उसके बाद मैंने छोड़ा, नॉर्मल गाड़ी अपने स्टिल पोजीशन पे आ गई। लेकिन अब क्या हो रहा है कि गाड़ी हल्की सी रेस कम दे रही है, यानी कि झटके, यानी कि भुकभुका रही है गाड़ी में, जिसको कहते हैं भुकभुकाना, भुक 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 टाइप से हो रही। अब इसके पीछे का रीजन क्या है समझिए। अब यहाँ पे मैं एक चीज खुद मैंने नोटिस की कि जब मैं गाड़ी को स्टार्ट करूंगा, जब मैं अपनी गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ ना, तो साइलेंसर के इस पार्ट से पानी बाहर आ रहा है, क्योंकि अब मुझे ये पता चल गया क्योंकि साइलेंसर के अंदर पानी भर चुका है। अब आप ध्यान देखिए कि आपको साइलेंसर के इस पार्ट में छोटा सा होल दिख रहा होगा, ये देखिए, ये आपका पूरा साइलेंसर है, देखिए ये आपका साइलेंसर है, और यहाँ पास आपको छोटा सा होल दिख रहा होगा, जो कि सिर्फ यही वाला होल जो है वो गीला है। आप देखिए ध्यान से, अगर मैं आपको दिखाऊं, छोटा सा यहाँ पे आपको होल दिख रहा होगा, और ये होल जो है सिर्फ इसी वाले एरिया में गीला है। तो जब कभी आप किसी पानी वाले एरिया से आए, यानी कि आपने अपनी गाड़ी को ड्राइव किया, यानी कि आपने इस सिचुएशन से अपनी गाड़ी को लेके आए जहाँ पे बहुत ज़्यादा तलबा या इस हिसाब से पानी था, तो कभी भी अपनी गाड़ी को ऐसा खड़े ना करें, यानी कैसा खड़े ना करें, एक सेकेंड, सॉरी, यस, कभी भी अपनी गाड़ी को एक स्टैंड में खड़ी ना करें, हमेशा डबल स्टैंड में खड़ी करें। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि पानी एक्चुअली गाड़ी से किस प्रकार आ रहा है, यानी कि अब मैं आपको बता तो दिया कि मेरे साइलेंसर के अंदर पानी चला गया। अब देखिए यहाँ का जो एरिया है वो पूरा सूखा है, ये देखिए पूरा सूखा एरिया है यहाँ का, ठीक है ना। अब देखिए कि यहाँ पानी कैसे आता है। देखिए मैंने अपनी गाड़ी को डबल स्टैंड में खड़ी कर लिया है, और साइलेंसर का जो होल है वो इस साइड में, आप देख सकते हैं साइलेंसर का होल इस साइड पे है, और नीचे जमीन में देख लीजिए कोई भी पानी नहीं है। मेरा हाथ देख लीजिए बिल्कुल सूखा है, वरना अगर आपको दिखाऊंगा तो आप बोलेंगे कि इन्फॉर्मेटिव वीडियो नहीं है। तो मैं अपनी वीडियो में सारी एकदम रियल चीज दिखाता हूँ, प्योर चीज दिखाता हूँ, उसमें कोई भी ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे। देखिए पूरी जमीन सूखी है, मेरा हाथ पूरा सूखा है। अब देखिएगा जब मैं अपनी गाड़ी को स्टार्ट करके रेस दूंगा, तो यहाँ से पानी बाहर आएगा। अब आप नोटिस कीजिएगा, ये मैंने इग्निशन ऑन किया, देख लीजिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मेरा इग्निशन ऑन हुआ, और अभी भी देखिए कितना आवाज आ रही है गाड़ी से, मतलब इतनी भयंकर वाली बारिश हुई है आज कि मैं क्या बताऊं। एक सेकंड, मैं इसको ऊपर कर दूं, ये ऊपर नहीं था। यस, अब गाड़ी स्टार्ट करते हैं। देखिए गाड़ी स्टार्ट हुई, अब आप देखिए आपको हल्के हल्के पानी के ड्रॉपलेट्स दिखेंगे, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। अब देखिए मेरा हाथ देखिए, देखिए एक आपको पेपर लेके दिखाता हूँ, आपको पेपर समझ में आएगा। ये देखिए, ये एक मेरे पास ये एक व्हाइट कलर का पेपर है। अब देखिए पानी कैसा आ रहा है, देखिए थोड़ी देर अगर मैं इसको यहाँ रखूंगा, और मैं इसको नीचे रखने के बाद, और मैं इसको हल्का सा रेस देने की कोशिश करूंगा, देखिए ध्यान देखिए, तो पूरा पेपर जो है आगे के एरिया जो है ये गीला हो चुका है। देखिए अगर आप ध्यान से देख पाएंगे तो, देखिए मेरा हाथ देखिए, एक सेकंड मैं फोकस कर दूं, ये देखिए पानी के ड्रॉपलेट्स दिख रहे हैं आपको, देखिए मेरे हाथ में पानी के ड्रॉपलेट्स, ये पेपर में ड्रॉपलेट्स देखिए, अभी पूरे पेपर में ड्रॉपलेट्स आ चुके हैं, ये देखिए ये। तो हुआ क्या है कि साइलेंसर के अंदर
साइलेंसर के अंदर जा चुका है पानी। अब आपको एक नई इंफॉर्मेशन मिली है, वो इंफॉर्मेशन ये है कि यहां पास होता है, यहां पास साइलेंसर के पीछे तरफ होता है होल, जिसकी हेल्प से क्या होता है। अब आप जमीन को देखिए, अगर आपको पॉसिबल हो पा रहा हो दिखना, लेकिन वैसे पॉसिबल नहीं है, मैं दूसरे हाथ से दिखाता हूं, ये देखिए। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूं कि कभी भी आपकी गाड़ी के साथ अगर ऐसा हो, यानी कि अगर आपकी गाड़ी कभी भी इस सिचुएशन पे हो जाए, यानी कि कभी भी ऐसा पानी ज्यादा भर जाए आपकी गाड़ी में, तो क्या कीजिए, अपनी गाड़ी को लाके खड़ी कीजिए, एंड खड़ी करने के बाद इसको एक स्टैंड स्टिल, यानी कि ऐसे पोजिशन पे खड़ा कीजिए उसको। इस पोजिशन में खड़ा करने के बाद 15 से 20 मिनट वेट कीजिए, एंड वेट जब तक क्या होगा कि आपने अपनी गाड़ी को चला के लाया, तो क्या रहता है कि इंजन आपका अभी गर्म है, तो उसको थोड़ी देर आराम दीजिए गाड़ी को, और 15 मिनट बाद आपको क्या करना है, अपनी गाड़ी को स्टार्ट करना है। स्टार्ट करके उसे रेस नहीं देना है, क्या करना है, इसके अंदर का जो पानी है उसको आपको इवापोरेट करना है, यानी कि वाष्पीकृत करना है, उड़ाना है आपको गर्म हवा से। साइलेंसर क्या है, गर्म हवा निकालेगा, जिससे क्या होगा कि आपका पानी जो है वो वाष्पीकृत होना शुरू हो जाएगा। तो क्या करना है आपको कि अपनी गाड़ी को स्टार्ट करके कुछ देर के लिए छोड़ देना है। अब यहाँ पे पेट्रोल का मत देखिए कि आपके पेट्रोल को, वरना ये जो थोड़ी गाड़ी की लाइफ की बात है। स्टार्ट करने के बाद फिर थोड़ा थोड़ा रेस देते जाइए, रेस देते जाइए, आपको रेस देते जाना है, देते जाना है, देते जाना है, जितना देते चले जाएंगे तो आपका जो पानी है वो निकलता चला जाएगा, एंड आपकी गाड़ी का जो नुकसान, आपको जो रेस फील नहीं हो रही है, वो रेस आपको फील होना शुरू हो जाएगी। बिकॉज जो एक्सपेरिमेंट आप खुद करते हैं, यानी कि आपके ऊपर जब बीतती है कोई चीज, एंड अब सब खुद आप सॉल्यूशन लेके आते हैं, तो वो सॉल्यूशन यानी कि अल्टीमेट होता है, अल्टीमेट मतलब उसका कोई तोड़ ही नहीं है। तो यही थी आज की वीडियो, एंड अगर आपके साथ कुछ कभी ऐसा हो गया है तो इस चीज को जरूर अपनाएं, एंड आपको नई चीज आज पता चली, क्योंकि मैं तो कभी नोटिस ही नहीं किया था साइलेंसर के नीचे एक आपको छोटा सा होल मिलता है, मैं तो कभी नोटिस नहीं किया था, लेकिन आपने भी शायद से आज पहली बार नोटिस किया है कि साइलेंसर के नीचे आपको एक छोटा सा होल प्रोवाइड किया दिया जाता है। होप्स आपको वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइस, बाय।